नमस्कार दोस्तों, राजस्थान से माउंट एवरेस्ट साइकिल जर्नी में इस वक्त पहुंचा हूं मैं बैसुमा में विनू भैया के साथ, जो कि सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं और पूरा डाउन टू अर्थ एक मतलब जो मेहनत मजदूरी करके शुरू किया उन्होंने अपना करियर, और आज लाखों चाहने वाले इनके यूट्यूब इंस्टाग्राम पे देखने को मिलता है। ब्रदर, आपका जो सोशल मीडिया नाम है उसके हैंडल का नाम क्या है? यूट्यूब का है बीनू नाथ ऑफिशियल। अच्छा, और इसका लिंक है चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया, आपके वीडियो बनाते हुए कितना टाइम हो गया? वीडियो बनाते हुए भाई साहब मुझे हो गए हैं एक साल। तो पहली बार बात हो गया था मेरे जब जीली चल रहा था, उस टाइम मैं कॉमेडी उमेडी वीडियो बनाया करता था। अच्छा, पहले शुरू आपका कॉमेडी चैनल था? हाँ, वो जीली चला गया तो फिर उम्मीद टूट गई थी जी। उससे बाद में मैंने इस पे काम करना शुरू कर दिया यूट्यूब का, इंस्टाग्राम पे। अभी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे शुरू किया। ये आपका पहला वीडियो कब वायरल हुआ? पहला वीडियो हुआ था मेरा 3-4 महीने पहले हुआ था। अच्छा, 3-4 महीने में ही फैन फॉलोइंग लाखों में हो गई। आज के दिन है ना, इंस्टाग्राम पे कितना फॉलोवर है आपके? 200-235,000 का समथिंग है। अच्छा, और यूट्यूब पर? यूट्यूब पर 4,90,000 के आसपास है। और तो पहले एक चैनल आपका दूसरा था, उसका क्या सीन हुआ? जो हैक वगैरह हुआ और मोबाइल भी आपसे छीन लिया गया, उसका क्या सीन है? उसका सीन ये है कि मैंने बंदे ने किसी भाई ने मुझे कहा था कि मुझे बात करने के लिए मोबाइल चाहिए जी, फ़ोन चाहिए, मैं कहा तो मैंने उन्हें दे दिया फ़ोन और वे लेकर साफ गए। तो इस तरीके से आज का विश्वास का रही नहीं, वो किसी से कॉल करने के लिए भैया से कॉल मोबाइल लिया और बाद में वो लेके भाग गए, और फिर उनका पहचान हुई कि नहीं हुई, कौन है, कहाँ के रहने वाले? पहचान अभी तक कुछ नहीं हुई, वैसे काम चल रहा है, पुलिस रिपोर्ट भी कर रखी है, FIR भी कर रखी है, CCTV कैमरा में भी रिकॉर्ड है। जैसे भी कुछ काम करते हैं उस मोबाइल के साथ या कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, पकड़े तो जाएंगे वे कभी नहीं कभी, टाइम भी लगता है इसमें। और आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों रिकवर हुआ कि नहीं हुआ? इंस्टाग्राम तो मेरा रिकवर हो गया है। अच्छा, यूट्यूब मेरा रिकवर नहीं हुआ, वो मेरा कंट्रोल में नहीं है। तो अब तो यूट्यूब पे ही है लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है। देखो, एक बंदा कोई आगे बढ़ना चाहता है तो उसके टांग खींचे में हजारों बंदे पीछे लग जाते हैं, ये इंडिया की कल्चर है। तो इसको थोड़ा चेंज कीजिए और जो बढ़ रहा है आगे उसको सपोर्ट कीजिए प्लीज, ये हाथ जोड़ के आपको रिक्वेस्ट है। क्योंकि भाई एक 200-300 रुपए पर डे दहाड़ी काम करके उससे परिवार चलाना, साथ में एक वीडियो के थ्रू वो पूरे दिन की एक्टिविटी साथ में आपको दिखाते हैं, तो भाई ये थोड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं, टांग खिंचाई मत करो। और आप ही लोग हो काफ़ी सपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल नया बनाया और साथ ही काफ़ी बड़ा ग्रो कर लिया इन्होंने साथ ही। तो आपकी एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई कब कहाँ तक की आपने? पढ़ाई इंटर तक की मैंने। अच्छा, 12th कवर कंप्लीट कर ली। आगे ग्रेजुएशन की नहीं की? बस BA में मैंने फर्स्ट ईयर से BA छोड़ दी थी। अच्छा, फर्स्ट ईयर से छोड़ दी। और अभी आप जो काम करते हो वो क्या काम करते हैं? अभी तो बस ऐसे ही घर की जिम्मेदारी आ जाती है तो मेहनत मजदूरी यही कर लेता हूँ। अच्छा, मेहनत मजदूरी करना और साथ में वीडियो बनाना। हाँ, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ आपका? अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, हो ही जाएगा, नहीं होएगा तो दोबारा करेंगे कोशिश। ये होना चाहिए भाई। जैसे कि आपने मेरे भी जर्नी देखी होगी, जैसे एक चैनल पहले था कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेवल किया, नहीं हुआ, वो चैनल चला गया तो दूसरा चैनल बनाया, एक बार और, ये उम्मीद कभी मत छोड़ना। क्योंकि ज़िंदगी में आखिरी उम्मीद तक, आखिरी श्वास तक उम्मीद ही बची रहती है जो आगे बढ़ने को अपन को प्रोत्साहन मिलता है। और भैया, जो आप हैं, एक वीडियो में आपका GF के बारे में काफ़ी बताया था, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? उसके बारे में फ्यूली इग्नोर करना चाहूँगा उसे में। उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहूँगा। नहीं बात करोगे? चलो कोई नहीं, ये पर्सनल लाइफ है, किसी के बीच में डिस्टर्ब नहीं करते। मैंने इग्नोर कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ सभी इग्नोर करें उसे। एक्चुअली आपका है ना, मतलब जो पास का कस्बा है वो कौन सा है, जो बड़ा शहर है? हमारा बड़ा शहर है मेरठ और बैसुमा काफ़ी प्रचलित आपका पास का, क्योंकि ज़्यादा एड्रेस बताना ठीक भी नहीं। यस पास में ना इनके हर मतलब पर डे कितने लोग मिलने आ जाते हैं? लगभग आते ही रहते हैं मेरे घर पे, कोई नहीं कोई तो मिलने डेली आते ही रहते हैं। जो अपकमिंग ड्रीम गया है, ड्रीम सपना? ड्रीम तो बहुत है, पर बहुत बड़ा है मेरा ड्रीम, पर मैं सोचता हूँ कि अपना ड्रीम किसी को बताया नहीं जाता। यस, ये तो है, लेकिन अगर जो हम अपना ड्रीम किसी को बताते हैं तो फिर ड्रीम में पावर नहीं रहती है, वो तो रहता है। और वो जिसे हम बता देते हैं ना तो फिर वह कहता है क्या हुआ, ड्रीम हुआ नहीं अभी तक पूरा, फिर उससे क्या इंसान टारगेट होता है। यस, जरूरी होता है। और भैया,
जो पहला ड्रीम दूसरा ड्रीम जैसे जैसे ड्रीम होते हैं वो पूरे होते जाएंगे, और मेरी बेस्ट विशेष है। और ऐसे ही आप अपने दर्शकों को अपनी इन्फॉर्मेशन के वीडियो के थ्रू देते रहो और दिन दोने रोज चौगुनी प्रगति करते रहो। थैंक यू सो मच, मिले बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।